नमस्कार दोस्तों, इंडियन रेल मुसाफिर चैनल में आपका स्वागत है। आज की जो ट्रेन जानकारी है वो है नई वंदे भारत एक्सप्रेस के बारे में, जो कि चेन्नई सेंट्रल से मैसूरू कर्नाटका के बीच में चलेगी। 12 नवंबर से स्टार्ट हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की जो ट्रेन जानकारी है वो है नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के बारे में, जो कि चेन्नई सेंट्रल से मैसूर के बीच में चलेगी। ये जो ट्रेन है चेन्नई सेंट्रल मैसूर वंदे भारत एक्सप्रेस, वैसे आज इसका उद्घाटन कर दिया गया है, पर रेगुलर जो है कमर्शियल रन जो है वो नवंबर 12 से ये ट्रेन जो है स्टार्ट होगी चेन्नई सेंट्रल से। और ये जो ट्रेन है हफ्ते में 6 दिन चलेगी, बुधवार को छोड़कर बाकी सारे दिन चलेगी। और MGR चेन्नई सेंट्रल से मैसूरू की जो दूरी है 6 घंटे 30 मिनट में कवर करेगी। टोटल इसके 4 स्टेशन होंगे और 500 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है कवर करेगी। एवरेज स्पीड जो होगी इस रूट पे वो होगी 76 किलोमीटर पर आवर। ट्रेन 18 टाइप की ट्रेन है और से साउदर्न रेलवे जोन जो है ऑपरेट करे। अगर बात करें इस ट्रेन के ट्रेन नंबर के बारे में, तो इसका ट्रेन नंबर है 20607। इसकी बुकिंग जो है स्टार्ट हो चुकी है, IRCTC पे आप जाके बुकिंग भी करवा सकते हैं और ये 12 नवंबर से स्टार्ट हो जाएगी। अगर बात करें इसके टिकट किराए के बारे में, तो इसमें दो तरह के कोच हैं, एक AC चेयर कार है और एग्जीक्यूटिव चेयर कार के कोच हैं। तो दोनों कोचेस में जो है बुकिंग स्टार्ट हो चुकी है और आगे जो मैं आपको किराया डिस्कस करेंगे वो दोनों कोचेस का किराया डिस्कस करेंगे, जो कि चेन्नई सेंट्रल से मैसूरू जंक्शन तक का किराया मैं बताऊंगा। अगर टिकट किराए के बारे में बात करें तो इसमें AC चेयर कार के कोच हैं। AC चेयर कार का चेन्नई सेंट्रल से मैसूरू जंक्शन तक का जो टोटल किराया है वो है 1200 रुपये, जिसमें 1922 रुपये तो बेस फेयर है, रिजर्वेशन चार्ज 40 रुपये है, सुपरफास्ट चार्ज 45 रुपये है, GST चार्ज 51 रुपये है और कैटरिंग चार्जेस के 142 रुपये भी आपको देने होंगे। एग्जीक्यूटिव चेयर कार के अगर टिकट किराए के बारे में बात करें, तो चेन्नई से मैसूरू तक का जो एग्जीक्यूटिव चेयर कार का किराया है वो है 2295 रुपये, जिसमें बेस फेयर है 1884 रुपये, रिजर्वेशन चार्ज हैं 60 रुपये, 75 रुपये सुपरफास्ट चार्ज है, 101 रुपये GST चार्ज शामिल है और कैटरिंग चार्जेस 175 रुपये है। दोस्तों इसमें फूड जो है वो ऑप्शन होता है, अगर आप बुकिंग के समय इसको ऑप्ट आउट करना चाहते हैं, अगर आप फूड नहीं लेना चाहते तो आपकी जो है टिकट में फूड चार्जेस जो है एक्सक्लूड कर दिए जाएंगे, यानी कि फूड चार्जेस के बगैर भी आप टिकट जो है बुक कर सकते हैं। बाकी फूड फैसिलिटी जो है आपको ट्रेन में मिलेगी, जिसके चार्जेस आपके इंक्लूडेड होंगे अगर आप इंक्लूड करवाते हैं। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और आगे बात करते हैं चेन्नई सेंट्रल से मैसूरू तक चलने वाली पांचवी वंदे भारत के बारे में, जो कि 12 तारीख यानी कि कल से 12 नवंबर से स्टार्ट हो रही है। अगर बात करें इसके टाइम टेबल के बारे में, तो इसके टोटल 4 स्टेशन हैं। ये जो ट्रेन है तकरीबन 6 घंटे 30 मिनट में अपनी जर्नी जो है कवर करेगी। चेन्नई सेंट्रल से बुधवार को छोड़कर बाकी सारे दिन ये चलेगी। चेन्नई सेंट्रल से ये ट्रेन जो है सुबह 5:50 पर चलेगी और उसके बाद ये ट्रेन जो है अपने दूसरे स्टेशन कटपड़ी जंक्शन में, जिसका स्टेशन कोड है KPD, यहाँ पर सुबह 7:21 पर पहुँचेगी और यहाँ पर 4 मिनट का स्टॉप होगा, 7:25 पर ये वहाँ से रवाना हो जाएगी। यहाँ तक की जो दूरी है 130 किलोमीटर की कवर कर चुकी होगी। चौथा जो स्टेशन है वो है KSR बेंगलुरु सिटी जंक्शन, यहाँ पर सुबह 10:20 पर पहुँचेगी और 10:25 पर वहाँ से रवाना हो जाएगी, 5 मिनट का स्टॉप है। इसके बाद मैसूरू जंक्शन में दोपहर के 12:20 पर पहुँचेगी और अपनी यात्रा जो है मैसूर जंक्शन में ये ख़त्म कर लेगी। तकरीबन 500 किलोमीटर की जर्नी जो है कवर करेगी। दोस्तों इसी के साथ नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की वीडियो जो है समाप्त होती है। आशा करता हूँ आपको चेन्नई सेंट्रल मैसूरू वंदे भारत एक्सप्रेस की इन्फॉर्मेशन वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए।